काम सलाम जोहार जय हिंद। अभी हम जो थेरेप्यूटिक से विषय लेकर के आए हैं वह है PBIS, PBIS पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरनेशनल सपोर्ट यानी पॉजिटिव सकारात्मक बिहेवियर व्यवहार इंटरवेंशन हस्तक्षेप सपोर्ट संबंधी गतिविधियाँ। अब यह है कि सकारात्मक व्यवहार संबंधी क्या है, सपोर्ट नीतियाँ इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है कि छात्र विभिन्न स्थितियों के लिए व्यवहार अपेक्षाएं सीख सकते हैं। कैसे सीखते हैं? जैसे स्कूल छात्र को व्यवहार का अभ्यास करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने, अफसरों के साथ स्पष्ट निर्देश के माध्यम से अपेक्षित व्यवहार सिखाते हैं। यानी स्कूल जब आप आते हैं तो स्कूल में वहाँ का जो एटमोसफियर है, वातावरण है, वहाँ का जो स्टाफ कर्मचारी अधिकारी उनका जो व्यवहार है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रत्येक छात्र अलग होता है, इसलिए स्कूलों को कई प्रकार के व्यवहार समर्थन देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को एक ऐसा नहीं लिया जा सकता है। सबकी करंट लेवल फंक्शन अलग है, लेवल ऑफ स्टडी का स्तर अलग है। तो स्कूल व्यवहार कैसे सिखाते हैं, यह अनुसंधान विज्ञान पर आधारित होना चाहिए कि किसी बच्चे को हम किस तरह से सिखाए। विद्यार्थी के व्यवहार की प्रगति पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। यानी हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या बच्चे उसे कुछ सीख रहे हैं या नहीं, तो इस पर हमारा ध्यान होना बहुत जरूरी होता है। मैं खास तौर पर बता दूं कि छात्रों और स्कूल के कर्मचारियों के लिए समर्थन के तीन स्तर की स्थापना होती है, और वह पहला स्तर है वन सभी के लिए सार्वभौमिक यानी सभी के लिए सामान्य स्कूल व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल के सभी छात्र बुनियादी व्यवहार अपेक्षाकृत सीखते हैं, जैसे सम्मान और दया। किसी का पेन कोई बच्चा अगर ले लेता है तो उस बच्चे को चाहिए कि वह पेन अनाउंस करे कि पेन किसकी है, और नहीं तो ऑफिस में जाकर भी जमा कर दे, सर एक पेन मिला है, किसका है बता दें। जब विद्यार्थी क्लास में आता है तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ठीक ढंग से बात नहीं करते हों या रूढ़ व्यवहार करते हों तो बच्चे पर एक अलग व्यवहार पड़ता है जो अवांछनीय व्यवहार को जन्म देता है। कभी कभी वे अपने बच्चों को पहचानने के लिए टोकन या पुरस्कार जैसे छोटे पुरस्कारों का भी उपयोग करते हैं। जैसे उस समय बच्चा है तो हम लोग क्या करते हैं, उस कपड़े पर लिख देते हैं कुछ कि कपड़ा इसका है, यह कपड़ा इसका है, कुल बार उससे हमें समझ में आ जाता है। दूसरा क्या है कि व्यवहार अपेक्षाओं के साथ कठिन समस्या होता है। स्कूल इन बच्चों को साक्ष्य आधारित हस्तक्षेप अंतःक्रियाओं के साथ संघर्ष करता है। अंतःक्रियाओं का संघर्ष करने का मतलब है कि बच्चों को सिखाने में हमें उसका समय बहुत मूल्य होता है, और जब कुछ बच्चे को सिखाना हो तो जब कहा गया है ना व्हेन आयरन इज हॉट देन यू बीट एंड मेक ईच एंड एवरीथिंग, जब लोहा गर्म है तो उसका हथौड़ा चलाइए, आप जो पढ़िएगा उसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी को हम रुचि पैदा करें, जब रुचि पैदा होगा तो सीखने की लगन उसमें जगेगी तो निश्चित रूप से वह सीख पाएगा, ठीक है। नंबर थ्री, व्यक्तिगत छात्रों के लिए गहन समर्थन। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे बोलते हैं इंडिविजुअल ट्रेनिंग IEP इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, तो हम कई बच्चों के लिए जो है IEP का उपयोग करेंगे जिससे हम बच्चों को बहुत कुछ हद तक सिखा सकते हैं। जय हिंद।